ये दौर था 2014 और 2015 का, जब हनी सिंह गलियों से लेकर शहर तक हर जगह छाए हुए थे, लेकिन नशे की एक बुरी लत ने हनी सिंह को बर्बाद करके रख दिया। शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन उस दौर में जिस वक्त भारत के लोग 2G इंटरनेट से YouTube वीडियोस देखा करते थे, उस वक्त भी हनी सिंह का गाना YouTube पर अपलोड होते ही धमाल मचा देता था। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हनी सिंह के गाने पर झूमने लगते थे, चाहे वो गाना 4 बोतल वोडका हो या फिर ब्लू है पानी पानी। यकीनन आप में से अधिकतर लोग हनी सिंह के गाने को उस वक्त बहुत ही ज्यादा पसंद करते होंगे, लेकिन इसी कामयाबी ने हनी सिंह को नशे की लत की तरफ खींच लिया। दरअसल हनी सिंह की कामयाबी इतने अधिक बढ़ चुकी थी कि बॉलीवुड की हर फिल्मों में उनके गाने आने लगे थे, और बॉलीवुड से यही कनेक्शन ने हनी सिंह को नशे का आदी बना दिया। बॉलीवुड से संपर्क में आते ही हनी सिंह ड्रग्स और शराब जैसी चीजों के चंगुल में फंस गए, पर एक वक्त ऐसा आया जब हनी सिंह शराब के बिना रह ही नहीं पाते थे। धीरे धीरे उनका म्यूजिकल करियर बर्बाद होता चला गया, और आज वो वक्त आ गया जब हनी सिंह का गाना कब आता है और कब गायब हो जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। शराब की ऐसी गंदी आदत की वजह से हनी सिंह अचानक लाइमलाइट से गायब हो गए। दरअसल एक लंबे समय तक वो अपना इलाज करवा रहे थे ताकि शराब की बुरी आदत पर कंट्रोल किया जा सके। यहाँ तक कि बॉलीवुड से संपर्क में आने के बाद जो हनी सिंह को शराब की लत लगी, उसने हनी सिंह की शादीशुदा जिंदगी में भी जहर घोल दिया। और आज के वीडियो में हम आपको उसी बॉलीवुड की नशीली दुनिया के बारे में और भी बातें बताने वाले हैं कि कैसे बॉलीवुड में आने वाले अच्छे अच्छे स्टार भी नशे के आदी बन जाते हैं, और उनमें से कुछ स्टार तो ऐसे हैं जो सड़क पर भीख मांगते हुए नजर आए, और कुछ की तो शादीशुदा जिंदगी नरक बन गई। बॉलीवुड के इस नशीली दुनिया का शिकार होने वाले स्टार में जो सबसे पहला नाम आता है वो है फरदीन खान का। एक बड़ा ही सुंदर एक्टर जिसने जब बॉलीवुड के दुनिया में कदम रखा था तो वह हर लड़की उनकी दीवानी हो गई थी, और बने भी क्यों ना, उनका चेहरा और एटीट्यूड जो इतना खूबसूरत था। दोस्तों फरदीन खान मशहूर एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फिरोज खान के बेटे हैं। दोस्तों उनकी एक्टिंग तो कुछ खास नहीं थी, लेकिन उनकी शक्ल इतनी खूबसूरत थी कि वो रातों रात बॉलीवुड के बेहतरीन स्टार बन गए। लेकिन बॉलीवुड की दुनिया में आने के बाद वो कब नशे के आदी बन गए किसी को पता ही नहीं चला। और एक दिन मुंबई के जुहू इलाके में फरदीन खान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। फरदीन खान उस दिन कोकीन जैसी नशीली पदार्थ के साथ पकड़े गए थे। फरदीन खान को जेल भेज दिया गया और लंबे चौड़े कानूनी जाल में वो फंस चुके थे। इसी नशे की आदत ने फरदीन खान के बेहतरीन करियर को हमेशा के लिए बर्बाद करके रख दिया। आज फरदीन खान कहाँ है, कैसे है, क्या कर रहे हैं, ये किसी को अच्छी तरह से नहीं पता। दोस्तों हर वक्त लाइमलाइट में रहने वाले बॉलीवुड के सितारों की चकाचौंध भरी दुनिया हर किसी को अपनी ओर खींच सकती है। करोड़ों लोग अपने फेवरेट सितारों को भगवान की तरह पूजते हैं, लाखों युवा इन नशेड़ी लोगों को अपना आइडियल मानते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकदार चीज हीरा नहीं होती, ठीक ऐसा ही होता है बॉलीवुड की दुनिया के साथ। बॉलीवुड की दुनिया दूर से देखने में जितनी चकाचौंध भरी लगती है, वो पास से उतनी ही अंधेरी है। बॉलीवुड के इस चकाचौंध के पीछे कई नशे से जुड़े काले सच भी मौजूद हैं, जिसे अक्सर छुपा कर ही रखा जाता है। जैसे अपने संजू बाबू को ले लो ना, संजय दत्त, बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने बॉलीवुड के ऊपर एक लंबे समय तक राज किया था। लोगों के मन में संजू बाबू के लिए इतना प्यार था कि इनकी फिल्म आने का मतलब ही था कि फिल्म सुपरहिट हो गई। लेकिन बॉलीवुड पर राज करने वाला ये सितारा भी नशे का आदी बन गया। बॉलीवुड के अंदर ऐसी ताकत है कि वो किसी को भी नशेड़ी बना सकता है, और संजू बाबू भी 12 साल से ड्रग्स के नशे में चूर रहे। उनका ये लत इतने खतरनाक हो गई कि उनके पिता ने संजय दत्त को अपने आप से दूर कर दिया था। सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय दत्त को एक लंबे समय तक के लिए अमेरिका भेज दिया ताकि वहां पर रहकर उसकी नशे की आदत को कंट्रोल किया जा सके। संजय दत्त के इसी नशे की लत ने संजय दत्त को अंडरवर्ल्ड की दुनिया से भी जोड़ दिया, जिसकी वजह से संजय दत्त को जेल भी जाना पड़ा। दोस्तों क्या आप जानते हैं बॉलीवुड में नशा काफी पुराना है। कई सितारों का करियर इस नशे की बदौलत बर्बाद हो गया, वहीं कई नाम तो ऐसे हैं जिन्होंने खुले तौर पर अपने ड्रग एडिक्ट होने के बाद दुनिया के सामने कबूल भी ली और उससे पीछा छुड़ाकर अपने करियर में आगे बढ़े। आज इस वीडियो के जरिए बॉलीवुड के इस हकीकत को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जब बात हॉलीवुड और बॉलीवुड के जहरीली दुनिया की हो ही रही है, तो कंगना रनौत का नाम कैसे पीछे रह सकता है। दोस्तों कंगना ने महेश भट्ट की फिल्म गैंगस्टर से बॉलीवुड में कदम रखा था,
कंगना रनौत की वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। उसी दौरान कंगना रनौत खुले तौर पर मीडिया के सामने आकर इस बात को स्वीकार की थी कि महज 17 साल की उम्र में ही वो कामयाब हीरोइन बन गई थी, लेकिन बॉलीवुड के लोगों ने उन्हें नशेड़ी बना दिया। बॉलीवुड की दुनिया में अक्सर ऐसी पार्टी होती रहती है जहां पर आपको ड्रग्स परोसी जाती है, और बड़ी छोटी उम्र में ही कंगना रनौत ड्रग्स की आदी हो चुकी थी। कंगना कहती है कि बॉलीवुड में काम करने वाले लोग अक्सर पार्टी में ड्रग्स जैसी चीजों का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से वो भी इस दलदल में फंस चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, कंगना रनौत ने धीरे धीरे अपना कदम इस दलदली दुनिया से खींच लिए। पिछले साल जब बॉलीवुड का एक बेहतरीन सितारा सुशांत सिंह राजपूत चला गया, तो अचानक से बॉलीवुड का ड्रग्स एंगल सबके सामने आया। उस वक्त कंगना रनौत इकलौती ऐसी हीरोइन थी जिसने खुले तौर पर इसके बारे में कहा था। उसी वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसको लेकर अकाली दल के नेता महेंद्र सिंह सिरसा ने FIR दर्ज किया था। कहा जाता है कि वो वीडियो करण जौहर के घर का था, जहां पर बॉलीवुड के कई अभिनेता मौजूद थे। वीडियो को देखकर साफ पता चलता है कि वहां मौजूद हर कोई नशे में चूर था, और FIR करने वाले लोगों का कहना है कि वहां मौजूद हर कोई ड्रग्स के नशे में चूर था। FIR करने वाले नेता का कहना था कि इन्हीं लोगों ने बॉलीवुड में उड़ता पंजाब नाम का फिल्म बनाया था और पंजाब को बहुत ही बुरे तरीके से पेश किया। बॉलीवुड में काम करने वाले लोगों की हालत इतनी गंदी है कि उन्हें उड़ता पंजाब नहीं बल्कि उड़ता बॉलीवुड की नाम की फिल्म बनानी थी, और उसमें दिखाना चाहिए था कि बॉलीवुड में काम करने वाले लोग किस तरीके से नशे के आदी होते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में एक और न्यूज बड़ी तेजी से फैली थी जब ऋतिक रोशन और उनकी पत्नी सुजैन खान एक दूसरे से अलग हुए थे। लेकिन शायद ही आपको इसके बारे में पता होगा कि ऋतिक रोशन और सुजैन खान एक दूसरे से अलग क्यों हुए। कहा जाता है ऋतिक रोशन की पत्नी सुजैन खान को नशे की आदत लग गई थी। दरअसल ऋतिक रोशन सुजैन खान को अर्जुन रामपाल की पार्टी में लेकर जाया करते थे, जहां पर सुजैन खान अर्जुन रामपाल से मिली और उन्हें ड्रग्स की आदत लग गई। यह आदत इस कदर सुजैन खान को अपने में लपेटे में ले चुकी थी कि उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई। खैर, ये बात कितनी सच है या फिर नहीं, इस बारे में कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, बॉलीवुड की इस नशीली दुनिया ने क्यूट से दिखने वाले एक्टर रणवीर कपूर को भी नहीं छोड़ा। आपको याद होगा रणवीर कपूर की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रॉकस्टार। उस फिल्म के किरदार में ढलने के लिए रणवीर कपूर को गांजा पीने की जरूरत पड़ती थी, और धीरे धीरे गांजा पीने की उनकी ये जरूरत आदत में बदल गई, और वो इतनी बुरे तरीके से गांजा की लत में फंस गए कि उन्हें फिल्म मिलना बंद हो गया। जिसके बाद रणवीर कपूर ने अपने आप के ऊपर कंट्रोल किया और धीरे धीरे गांजे की लत को खत्म किया। यहाँ तक कि बॉलीवुड के एक बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट भी नशे की दलदल में फंस चुके थे। इनके नशे की आदत इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि खुद उनकी बेटी भी उनके पास जाने से कतराती थी। दरअसल वो नशे की लत में उटपटांग हरकतें करने लग जाते थे और किसी के ऊपर भी चिल्ला पड़ते थे। और हाल ही में हमारे बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान के बेटे, जिनकी उम्र अभी बहुत छोटी है लेकिन उनकी हरकत बहुत ही ओछी है। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस उम्र में हम और आप स्कूल कॉलेज में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में शाहरुख खान के बेटे का मुंबई में ड्रग्स पार्टी कर रहे थे। और उससे भी बुरी बात कि शाहरुख खान के उस नशेड़ी बेटे को एक हीरो की तरह पेश किया जा रहा था। मीडिया वाले दिन रात शाहरुख खान के बेटे पर दलीलें पेश कर रहे थे। भारत के बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े नेता शाहरुख खान के बेटे के पक्ष में बोल रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इसमें हिंदू और मुसलमान वाला एंगल भी जोड़ दिए। लेकिन किसी ने भी खुलकर इस बात को नहीं कहा कि शाहरुख खान का बेटा जो कर रहा है वो गलत था। हालांकि शाहरुख खान के बेटे को पूछताछ के लिए कई दिनों तक जेल में रहना पड़ा और बाद में उन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया, लेकिन उनके ऊपर अभी भी केस चल रहा है। खैर, बॉलीवुड के इस नशीली दुनिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।